यूपीएससी परीक्षा में सबसे ज्यादा जरूरी पहलू यही होता है कि आपने किस उत्साह से और किन किताबों से तैयारी की। अगर आपको तैयारी की एकदम सही डायरेक्शन मिल जाए तो कोई भी आपको एक बार में यूपीएससी क्रैक करने से नहीं रोक सकता। ऐसे में आज हम आपके लिए कुछ ऐसी ही किताबों की लिस्ट लेकर आए हैं जो खुद टॉपर्स ने सुझाई हैं। इन्हें पढ़कर आप ही आसानी से आईएएस कम्पीट कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कम्पेरेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। इसके लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है इन किताबों की मदद से करिए आईएएस की तैयारी। तो आईएएस परीक्षा में इतिहास, भारतीय कला और संस्कृति, भूगोल, राजनीति शास्त्र, सामाजिक शास्त्र, इंटरनेशनल रिलेशंस, अर्थशास्त्र, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान जैसे विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी किताबें हैं जिन्हें पढ़ने से आपकी तैयारी और बेहतर हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की। तो इतिहास की अच्छी तैयारी के लिए आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी किताबों को पढ़ने के बाद ही आपको इतिहास की बेसिक जानकारी हो पाती है। इसके अलावा आप इन किताबों को भी पढ़ सकते हैं जिनको हम बता रहे हैं, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय स्पेक्ट्रम बुक्स, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया बाय नितिन सांगवान, वर्ल्ड हिस्ट्री बाय बिपिन चंद्रा। प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया मध्यकालीन भारत बाय सतीश चंद्र, प्राचीन भारत बाय राम शरण शर्मा। अब बात करते हैं भारतीय कला और संस्कृति की। तो भारतीय कला और संस्कृति विषय की शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी किताब होती है कक्षा 11 की कला की किताब। इस किताब से आपको भारतीय कला और संस्कृति की शुरुआत की सटीक जानकारी मिल जाती है। इसके बाद आप इन किताबों को भी पढ़ सकते हैं, इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन संघानिया, मिडिविल इंडिया बाय सतीश चंद्र, प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित भारत की लोक संस्कृति इंडियन आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट इंडिया बाय आर एस शर्मा। और अब बात करते हैं भूगोल की। तो इस विषय में आपको पृथ्वी की संरचना और वायुमंडल, वर्षा, वन और बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ना होता है। तो इस विषय की तैयारी के लिए आपको एनसीईआरटी किताब को ही पढ़ना सबसे पहले अच्छा होता है। भूगोल की तैयारी के लिए आप इन किताबों को भी पढ़ सकते हैं, क्लास 6 to 12 ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जी सी लियोन, प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित भूगोल एवं पर्यावरण भारतीय विदेश नीति, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन, राजनीति शास्त्र और संविधान। सभी विषयों की तरह राजनीति शास्त्र और संविधान की पढ़ाई के लिए भी आपको कक्षा 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ना बहुत जरूरी है। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उसमें आपको राजनीति शास्त्र और भारतीय संविधान की बेसिक जानकारी बहुत ही अच्छे से मिलती है। एनसीईआरटी किताबों को पूरा पढ़ने के बाद आप लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी जरूर पढ़ें। इसे पढ़ने के बाद आपको और कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब बात करते हैं अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें हम देश में आए आर्थिक बदलाव और आर्थिक विकास के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सबसे जटिल विषयों में से एक है। इस विषय को बहुत ही अच्छे से पढ़ना और समझना होता है, तभी आप इस विषय से संबंधित प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो अर्थशास्त्र विषय की तैयारी के लिए आप इन किताबों को पढ़ सकते हैं, क्लास 6 to 12 इकोनॉमिक एनसीईआरटी बुक, इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा और प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित इंडियन इकोनॉमी। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस एंड करंट अफेयर्स। तो इस विषय को पढ़ने के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो वेबसाइट है उसका सहारा ले सकते हैं। तो इस वेबसाइट में आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और भारत की विदेश नीतियों की सारी जानकारी मिल जाती है। साथ ही आप प्रभात प्रकाशन की पुस्तक भारतीय विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, भारत की आंतरिक सुरक्षा को भी रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा आप करंट अफेयर्स के लिए सरकार की अन्य जो वेबसाइट्स हैं जैसे कि पीआईबी और पीआरएस की मदद ले सकते हैं। इन वेबसाइट्स पर आपको
बजट, नई नीतियां, नई योजनाओं तथा लोकसभा में कौन कौन से नए बिलों पर बहस हो रही है या कौन कौन से नए बिल आने वाले हैं, इन सब की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ भारतीय राजनीति में क्या हो रहा है, इन सब की जानकारी मिल जाती है। करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आपको रोज अखबार तो ऑब्वियसली पढ़ना ही होता है और नोट्स बनाने होते हैं। और अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इस विषय की तैयारी के लिए एनसीईआरटी की कक्षा 6 से 10 यानी कि 6 से 10 तक की किताबें काफ़ी हैं। यदि आपने ऑप्शनल यानी कि वैकल्पिक विषय में कोई साइंस सब्जेक्ट नहीं रखा है तो आपको और कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल हैं, सजेशंस हैं, आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सी सेट के टॉपिक वाइज सॉल्ट पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैम्पल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।